नमस्ते और स्वागत है आपका करंट बॉलीवुड के इस ताजे चटपटे एपिसोड में। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मनीषा कोइराला ने एक छोटी सी लव स्टोरी के निर्देशक शशिलाल नायर को फिल्म में दिखाए गए बोल्ड सीन्स के लिए कोर्ट में घसीटा था। अब मनीषा के साथ हुए उनके तजुर्बे को शशिलाल नायर दिखाएंगे उनकी नई फिल्म मैडम एम में। इतना ही नहीं, वो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जिसके फीचर्स मनीषा कोइराला से मिलते जुलते हो। लगता है शशिलाल नायर को फिल्म बनाने से ज्यादा दिलचस्पी है कॉन्ट्रोवर्सीज बनाने में। जो भी हो, आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के एपिसोड के कंटेंट्स पर। बॉलीवुड में आज बॉलीवुड की हलचल और उतार चढ़ाव देखते हैं एकदम करंट में। करंट इवेंट में देखते हैं हंगामा फिल्म के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, मस्ती फिल्म के सेट्स पर चलते हैं ऑन लोकेशन सेगमेंट में। मूवी मोगल राम गोपाल वर्मा से बातचीत करेंगे बॉलीवुड दिल से में। आज की धुन में किसना फिल्म की म्यूजिक रिकॉर्डिंग। सुनने में आया है कि महेश भट्ट ने जब अखबारों में पढ़ा कि स्टैंप घोटाले के अब्दुल करीम तेलगी ने लाखों रुपए एक ही झटके में डांस बार में उड़ा दिए, तब उन्होंने ठान ली कि वो तेलगी पर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। महेश भट्ट द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली ये फिल्म डायरेक्ट करेंगी उन्हीं की बेटी पूजा भट्ट। लगता है इतने सारे पाप करने के बाद भी ये बाप बेटी की जोड़ी रुकने का नाम नहीं लेगी। फिल्म इंडस्ट्री में और क्या क्या हो रहा है, आइए पता लगाते हैं एकदम करंट में। हाल ही में मुंबई में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जिम का उद्घाटन करने आए बॉलीवुड के मसल मैन संजय दत्त, जो इस जिम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस जिम के साथ काफी हॉलीवुड स्टार्स के नाम भी जुड़े हुए हैं, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और कियानू रीव्स। चिप यानी चिल्ड्रन इन हेल्प इस संस्था के फंड रेजिंग इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट आई जया बच्चन। इस इवेंट में जहां एक तरफ लोगों ने फ्यूजन संगीत का आनंद उठाया, वहीं फैशन शो ने इस मनोरंजक शाम को दिया एक बेहतरीन अंजाम। क्रिकेट लेजेंड कपिल देव पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे फिल्म आर्यन में। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक कपूर और लीड रोल में नजर आएंगे सोहेल खान। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जोया अख्तर की पहली फिल्म नरगिस में लीडिंग लेडी का किरदार कौन निभाएगा। बड़े भाई फरहान अख्तर की पहली फिल्म दिल चाहता है के बाद बॉलीवुड को इंतजार है छोटी बहन जोया की इस फिल्म का। उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट माधुरी दीक्षित को ध्यान में रखकर लिखी थी, पर माधुरी ने इस फिल्म के लिए बहुत सारे पैसे मांग लिए और अब माधुरी को अपनी पहली फिल्म में कास्ट करने का जोया का सपना सपना ही रह गया है। नरगिस के इस किरदार के लिए अब ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा या करिश्मा कपूर को कास्ट करने की बात चल रही है।